पूरा घर किसी जहरीली नजर के हिसार में है। जब सामने डेन का घर होगा तो कैसे नजर हटेगी? असल में मैं आपकी पोती मनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सुनो, ये तुम जेब से निकाल के क्या खाती हुई जा रही हो? चीनी है, खाएंगी? अरे गंदी, हाथ धो जाके और जाके कपड़े चेंज कर अपने। अरे इसका क्या करूं? मेरे सर पे डाल दो, जाओ। अल्लाह मियां, यहाँ फेंक के चली गई कनीस ने, देख लेना तो वावेला मचा देगी। मुझे साफ करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बच्ची अभी पढ़ रही है ना, और उसके पेरेंट्स का दूर दूर तक उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जी एक दो मुलाकात करवा दें, इरादा बनते कितनी देर लगती है? वैसे वो लोग रहते कहाँ पर है? ये जी, ये सामने वाला घर जो है ना, ये नवाब विला है, बल्कि ये वाला नहीं, ये वाला अंदर ही अंदर से रास्ता चलता है। अगर आप कहते हैं, आप दोनों को मैं लेके चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, चले चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे उनको बताए बगैर पहुँच जाएंगे, अजीब सा नहीं लगेगा? पापा ले जाए ना, आखिर फैसला तो उसके पेरेंट्स का ही होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अम्मा आप और फाजी तुम ले जाना, ठीक है? चलें फिर, चलते हैं। पापा कूल डाउन। चुप करो, मुझे ज्यादा पता है इस मामले के बारे में। एक मिनट पड़ी जाए। हाँ है ना, प्लीज प्लीज। ये इसी तरफ से है, यहाँ से दाएं हाथ। काओ कद्दू, अपने पीछे देखो, पीछे इधर। हेलो कद्दू गंगा, इधर मत जाना, मैं घुटने में चोट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, गेट वाली तरफ, गेट वाली तरफ। बाजी मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। तुम्हारी बाजी आज हारी हारी। बेटा मीनू को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। अच्छा लो, हो गया रिश्ता इस नौटंकी का। इधर इधर इधर, शिकार पर ऐसे झपट्टा मार, पीछे पीछे तुम्हारे चील। पकड़ लिया, नक्कल पकड़ लिया तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? वाजी उस्ताद जी, अरे किसका नाम ले लिया? मेरा। उस्ताद जी, मीनू ये क्या बदतमीजी है, अंदर चलो। वो आग मचोरी खेल रहे थे हम लोग तो। जाओ जाकर चची को बताओ कैसा है। कौन गेस्ट? जो कहा है ना वो जाकर बताओ। ओ अच्छा, ओके चलो। इसका तो बचपना ही नहीं खत्म होता। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही करती हैं। किसकी भी थोड़ी होती हैं। आइए अंदर आइए। बराबर में है नवाब विला, मैं ले चलता हूँ आपको। मिस्कीन भाई को बहुत शौक है रिश्ते कराने का। वैसे और तुझे क्या शौक था उस कमबख्त को अंदर भेजने की? मुझे क्या पता था अंदर मीना बाजार लगा है रिश्तों का। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है लड़का, लाखों में सैलरी हो गई। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसमें इंटरेस्ट है वो बता दो। फजूल मत बोलो। आपा आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्या हो गया? गुल की नाक के नीचे गुल खिला के चली गई वो कमबख्त मीनू। सर दर्द हो गया मेरा। रूमी जाकर मेरे कमरे से सरदर्द की दवा तो लेकर आ मेरे लिए। वो छुमंतर आंटी ने मना किया था कि 8 घंटे से पहले कोई कमरे में ना जाए। छोड़ छुमंतर आंटी को, बड़ा अच्छा फूक के गई है वो। इतना अच्छा फूक के गई है कि अच्छा खासा रिश्ता उड़ कर जा गिरा है पड़ोस के घर में। आहिस्ता बोलो, कहीं उनका वो अकल सुन ना ले। सारी उम्र तो जैसे निकम्मे और हड हराम जिन से तो नहीं मैं डरी, उन मोकलों से खाक डरूंगी। है चल हट। करता पीप चुलता बता। पापा आप भी चली जाती हैं फाजी भाई और अम्मा के साथ। मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिल जलाने का, उधर वो दोनों चचियां इतराती फिर रही होंगी। हाँ रूमी जाकर दवाई तो ला दे मुझे, कितनी दफा कहूंगी तुझसे। वैसे किस्मत की बड़ी धनी है मीनू। बाजी 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 बाजी, रिश्ता है तुम्हारा? हाँ तो अमीर सर की कसम, अल्लाह का पक्का वादा, जाकर देख लो ड्राइंग रूम में। मरी ना जाओ। अच्छा होगा ना, मेरी पढ़ाई से बिल्कुल जान छूट जाएगी। अल्लाह तुझे ना ग्रेट हो, मैं तो बल्ले बल्ले में डांस करूंगी। और मैं ना साजन के घर जाना है मुझे। तुम्हारे बाप का वली मैं क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, आपके होने वाले दामाद का वली माँ तो होगा ना। उस वली में मैं लगाए जाने वाले डेंट फेंक दिए तुम्हारे बाप ने। है क्यों? माँ बेटा ने ड्रॉइंग रूम में सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है, हमारी बेटी अभी बड़ी छोटी है। अरे कहाँ छोटी हूँ मैं, एक तो माँ बाप को ना हमेशा ही बच्चे छोटे लगते हैं। सुने मुझे ना कोई एतराज नहीं है, आप उन लोगों को जाके बोलते हैं इससे पहले वो मुकर जाएं। बहुत शौक है तुम्हें शादी का? वो नहीं 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 वैसे। अरे पेड़ आता है,
तेज चला रही तुमने अपने बाप की? ओह वो आप कहते कि छत से उड़ गई, मैं इसको स्टोर में फेंक के आती हूँ। बस फजूल बातें करवा लें ऐसे, चची चले अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स का पूछने आई थी, इसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अरे वो कोल्ड ड्रिंक तो दो लोगों की है फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चार ग्लास बना लेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये साइंस लड़ाने की। हाँ मैं वली से कह के मंगवा दूंगा। मेरे लिए भी एक। नहीं रहने दें। अरे जाए ना मेरी प्यारी माँ, अपनी औलाद के लिए ना सबके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाए। तारीख ना आपको एक अजीम माँ की हैसियत से याद रखेगी। चाहे बकवास बंद करो और खबरदार ड्राइंग रूम में आके किसी चीज से टकराई। चुप्पी कर तुझे, इतनी जोर से कौन कर सकता है। बहन आप समझने की कोशिश करें, बच्ची अभी पढ़ रही है। ऊंट की तरह कद ही बढ़ाया है बस। और अकल भी घुटनों में ही है उसकी। चलो खैर अभी मुंह मत्थे लग जाएगी तो आप देख लीजिएगा, माशाल्लाह कितनी हसीन है और नजर भी कितनी को ठीक है। वैसे उसने थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स भी मुकम्मल नहीं किए और यकीनन इस दफा भी नाम ही रोशन करेगी हमारा। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है, अगर बच्ची आगे पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। पढ़ी ना ले कहीं वो। कफायत साहब एक दफा लड़का तो देख लें। अब लड़के को तब देखें जब शादी का इरादा हो, है ना? भाई बताएं तो सही आखिर मसला क्या है? दरअसल उसको ढंग से खाना भी पकाना नहीं आता। उसे सिर्फ बेवकूफ बनाना और चूना लगाना ही आता है। खैर जी कुक है हमारे घर, अब ऐसे भी 3 लाख रुपए तनख्वाह है मेरे बेटे की। असल में बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी बच्ची पहली नजर में भाग गई है। दरअसल ना वो मेरे पे चली गई है, मैं उसकी सखी दादी हूँ ना, बस हुसन में तो मेरे पे चली गई है। और जहानत भी। देखिए जी जहेज के नाम पे तो एक दिन का भी नहीं चाहिए हमें, वैसे भी अभी 3 महीने पहले सारा फर्नीचर डाला है हमने। लो जी अब रखा है चाचा की दुखती रख पर हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ध्यान से रख दे, रख दे मेरा पुत्र रख। देखें भाई एक दफा आप हमारे बेटे से मिल तो ले। इतना इसरार कर रहे हैं तो देख लेते। बिस्मिल्लाह। अरे अल्लाह जी देखे शर्मा आ गई है, बच्ची है ना मासूम। शादी हो रही है। पेपर्स कौन देगा? शादी हो रही है। शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। अब तो मुझे साजन के घर जाना है। साजन के घर जाना? ना ठीक है। अल्लाह तेरा भला करे। लगता है अम्मा आज मीनू का निकाह करवा कर ही आएंगी। लो जी लग गई लॉटरी इस डंगर मीनू की भी। अल्लाह मियां गंजे को नाखून दे ही देता है। क्या था अगर हमारी मीशी को पसंद कर लेते? और वो बेवकूफ तो धमाल डालती फिर है पूरे घर में। अरे बताओ तो सही बना क्या? बनना क्या था, लड़के के बाप ने पैकेज ही ऐसा बना के दिया था। चाचा जान तोड़कर बैत करने वाले थे उसके हाथ पर। ना करते करते एकदम पैंतरा बदल के हाँ कर दी, वो भी डंके की चोट पर। शरीकों की किस्मत चेक करो, एक टोरंटो जा रहा है और दूसरा हमारे भाई के बट्टे में शानदार घर में दाखिल हो जाएगी। गुल अब तू कोई नया गुल मत खिला देना, बस फाइनल कर दे फाजी का रिश्ता यहीं पर। ओ हेलो मुझे पहले लड़की से मिलने तो दें। तुम चुप करो, वो कौन सा मीनू के लड़के से मिले हैं अभी तक? इसी चक्कर में तुम्हारी शादी पहले से ही बहुत डिले हो चुकी है। हाँ हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में ना कोई और गुल मत खिला देना, वो भी सीनियोरिटी के बेसिस पर। क्या हुआ क्या हुआ, करंट तो नहीं लग गया तुम्हें? तुम क्या रेलू गड्ढे की तरह भागे आ रहे हो? वो बोल भी पड़, बोलने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता? वो सब लेके भाग गई। क्या सारी ज्वेलरी और मेरी नन का ब्रेसलेट भी? अरे कौन ले गई? चूहा भाई मेरे अम्मा। भाई मीनू की तालीम नामुकम्मल है वरना रिश्ता अच्छा लग रहा है। आपके साहबजादी की ग्रेजुएशन अगले 5 साल ही होने वाली, इसे बेहतर है उसकी टाइम से शादी कर लें।
उसे आप कोई घरदारी वगैरह भी सिखाओ, अगर सोच ही लिया है शादी का तो। आपके कान भी सिर्फ ना जहेज ना लेने पे खड़े हुए थे। कभी दाद ना देना मेरी समझदारी की। ये कुछ हल्का हल्का लग रहा है मुझे आज, हैं? बहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं मीनू को देखती हूँ, दूध उबालने को कहा था। अच्छा भाई बात सुनो, वो रिश्ते का इस्तखारा निकलवा लो, मेरा दिल कुछ डामाडोल हो रहा है। हाँ मैं बेबी से कहती हूँ। ये रैपर किसने फेंका डस्टबिन से भाई? मैं तो खाने से रहा चिप्स इस उम्र में, हैं? मिर्ची नहीं फेंका होगा। अगर मैं ना हूं ना इस घर में तो कीड़े दौड़े। ये वादियां ये पर्वतों की शहजादियां पूछती हैं, कब बनेगी तू दुल्हन मीनू, कब आएंगे तेरे साजन। चल मीनू दुल्हन बनने की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप आ गए सरदार। आदा नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकाली। सरताज जी निकालिए ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई, निकालिए निकालिए। ये क्या यमलियां मार रही है तू, है शर्म नहीं आती तुझे? फिर तुझे देखती हूँ मैं मुंह दिखाई। मुझे तो पागल ना कहें। वो मैं कसम से प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने दिल पे ले लिया। ये बेहया बहुत मछली फिर रही है आजकल। अब क्या नया तमाशा लगा दिया इसने? मुझे क्या पूछ रही है, होटल का पूछ। ऐसा करें इसका रिश्ता विश्ता छोड़े, पहले अकल सिखाए से अकल। भाई ये रिश्ता कहाँ से आ गया बीच में? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है। बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रही थी ये। बेबे कफाज के सामने ऐसी बातें ना किया करे। क्यों, उसको नहीं पता अपने इलाज का, किस टाइप की लड़की है उसकी? बेबे बच्ची है ये अभी। मिर्ची की बच्ची को ना कोई कुछ नहीं कहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो कैसे मुझे मेड़े मार रही है, देखो जरा इसको। आपको पता है वो जो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे ना, उनके चुपके चुपके तस्वीरें खींच के सारी फेसबुक डाल दी इसने। छोटे मुटेरा ये ले डिलीट मार मार। अपनी इस मैनेजर से कराए जिसको सर पे चढ़ा रखा है आपने। वैसे एक बात है, ये वो बिल्कुल ठीक रही है, आप इसकी हर गलती को माफ कर दे। हाय अल्लाह तुम लोग क्यों नहीं समझती, तुम दरस की शक्ल देखो, मासूम शक्ल, बिल्कुल तुम्हारे दादाजी पे गई है मेरे दिल की मजबूरी, मैं क्या करूं? आप इन बातों को छोड़े, आप इस्तखारा करें इस रिश्ते का। हाँ इस्तखारा खे करूं, पहले देख तो लूं लड़का मुंह मत्थे भी लगता है कि नहीं, वरना वो दूसरा मस्कीन ना टूट जाए हमें, फिर कर लेंगे इस्तखारा। पीछे पड़ जाती है पूरे 5 तोले का था मेरा रानी हार। और मेरी नन तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, पता है 1.5 तोले का था उसका ब्रेसलेट। तुम्हें किसने कहा था मांग तांग कर चीजें लाने के लिए? मैंने सोचा था फासे भाई की बात पक्की होगी तो पहनूंगी, मुझे क्या पता था मॉडर्न फकीरनी सब ले जाएगी। इसीलिए तो कह रही थी वो मनुस 8 घंटे तक दरवाजे ना खोलना, लूट मार जो मचा के जानी थी उसे। मेरी 4 अंगूठियां और 2 कड़े उठा कर ले गई वो कमबख्त। ये तो शुक्र है बाकी सारा जेवर लाकर पे बंद था। कब आएंगे फाजे भाई और मिस्कीन भाई? अल्लाह करे अपने ठिकाने पर मिल जाए वो फ्रॉड औरत। ऐसे लूटने वाले लोग अपने ठिकानों पर बैठकर पुलिस का वेट थोड़ी कर रहे होते हैं। हुआ क्या, पता चला कुछ? इतना बड़ा ताला लगा हुआ है उसके आस्ताने पर। ताला तो वो आप सबकी अकलों पर लगाकर चली गई है। क्यों आपा, कहाँ गई आपकी 1 मिनट बड़ी अकल? बस कर दो, कम से कम आप तो समझदारी से काम लेती यार। भाई मुझे क्या पता था गुल की नाक के नीचे इतना मनहूस गुल खिलाकर चली जाएगी वो औरत। ये मनहूस मिस्कीन पकड़ कर लाया था उसे कहीं से। मुझे क्या पता था वो इतनी फरार औरत निकलेगी, है? मेरे तो दोस्त की भी शादी का बाद में उसी की तावीज की वजह से शादी हुई थी। हाँ तो हम भी फाजी की शादी के लिए लाए थे उस औरत को। अरे यार खुदा का वास्ता है, मेरी शादी को इतना सर पे मत सवार करें कि मेरी हक हलाल की कमाई लोग मेरे ही घर से लूट के ले जाएं। कहीं वो मेरे लेंसेज भी तो नहीं लेके चली गई, मैं जाकर देखूं। हाँ हाँ देख लो, डायमंड के बॉक्स में पड़े बैठे ना। फाजी भाई यार मेरी बात को समझो, मैं ऊंचा नहीं बोल सकता। हाँ मैंने प्रॉमिस किया ना कल हम एकेडमी के बाद मूवी देखने जाएंगे। मेरी जान नहीं बताता मैं मीनू को, कसम से पक्का वाला वादा ले ले। ये आधी रात को किस माँ के साथ लगे हुए हो तुम? हैं माँ? ओवर एक्टिंग मत कर, फोन पकड़ा मुझे। ये ले जी खुद ही बात करके देख ले। अबे ढक्कन कहाँ है ना, पहुंच जाऊंगा, क्यों तंग कर रहा है, फोन बंद कर, अर्शी से बात करनी है मुझे। ये अर्शी कौन है? अरे अर्शी गई भाड़ में, आपको तो पल्ली हो गई ना कि मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। ये जो मुंह पे तेरी मीसनी स्माइल है ना, चल जाके सो जा। दी रात को सुथरी कर दी मेरी।
कर ले बात कर ले, आप इतना छोटी जहनियत का लड़का नहीं हूं। हेलो 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 हेलो, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? कल भी वो व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतजार करते करते नीनू आ गई थी। आप क्या सारी रात यहीं टहलती रही हैं जेवरात चोरी होने के गम में? मेरे टहलने को छोड़, मेरी गाल सुन। जी बोले। वो चुमंतर के ठगने वाली बात का अनाउंसमेंट शरी को मैं करने की जरूरत नहीं है। मेरे अनाउंस करने से क्या नुकसान कम हो जाएगा? वो कचरे हादी के साथ तेरी बहुत पपी झपी है ना, इसलिए कह रही हूँ। अम्मा मैंने कौन सा चूज किया है, मुझे भी तो जहेज में मिला है या सस्ता जेम्स बॉन्ड। अम्मा कसम है आपके दुपट्टे की, जो ये खचरा एक बार भी इस घर की उस घर में पहुँचाता हूँ। अपनी शोधी दादी की तरह छापे मारने वाली आदत नहीं गई तेरी। छोड़ें बेबे को, मैं तो कहता हूँ आप देसी घी के पराठे बनाएं लच्छेदार। मैं जाता हूँ अभी जॉगिंग के लिए, वहाँ जो कैलोरीज बर्न होगी यहाँ पर आके वापस चढ़ाता हूँ और फिर वो बात बताऊंगा जो बेबे ने आपको बताने से मना। अभी बता। अम्मा ड्रामेबाजियां कर रही है, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े नवाब साहब की छड़ी की कसम, मैं बिल्कुल झूठी बोल रहा हूँ। बेटा तू रहने दे, अम्मा सब जानती हैं तेरी फनकारियां। हो सकता है सच हो, तू जल्दी से आ, तुझे पराठे के साथ भुना हुआ कीमा भी दूंगी। चल आजा आजा। पराठे? क्या बात होगी, कहीं वो वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, वो वाली बात तो नवाब साहब कभी उसे नहीं बताएंगे। पकड़ा। सुन, ये कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर आया अम्मा को? अभी निकाह हो रहा है मेरा अगले हफ्ते, वो भी स्काइप पर। क्या वाकई? हाँ, वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही बताने लगा था यूनिवर्सिटी के, लेकिन फिर मुझे वो चप्पड़ कनाती है मजर की शादी का कार्ड दिखा ना, तो मैं तो सकते में चला गया यार। क्या उसकी भी हो रही है शादी? तू सोच यार, क्लास की सबसे मठी लड़की ने भी उसको रिजेक्ट किया था। कोई नहीं, तू अपने निकाह की न्यूज भी लगा देना ग्रुप पे। नहीं नहीं यार, फिर सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, वैसे ही बहुत ही कोई ओवर किस्म के लड़के हैं यार उस ग्रुप में। मेरी फिक्र ना कर, गुलाब और अम्मा सही फॉर्म में है, रातों की नींदें उड़ गई हैं उनकी। तभी उन्होंने लाखों की ज्वेलरी जो है वो भी कमा दी। खुदा का वास्ता है यार, ये बात अम्मा के सामने मत कर देना वरना शामत आ जाएगी मेरी। थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगा ना मैं तो सब कुछ उगल देंगी अम्मा। स्टैमिना है तेरा बेटा, वरना मुझसे तो नहीं संभाली जाती है फैमिली पॉलिटिक्स वाली बातें। खैर वो चच्ची जा रही है मीनू के लिए लड़का देखने के लिए। हमारे सामने ही पल बढ़कर जवान हुई है वो, और अब देखो उसकी भी शादी की बातें चल रही हैं। उसका बस नहीं चल रहा कि कल उसकी बारात आए और घर छोड़ के निकल जाए वो। यही तो बेवकूफी है उसकी, उसे अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अच्छा चल निकल, बहुत हो गई एक्सरसाइज। चल भाई, ये डिजिटल निकाह मेरी समझ से बाहर है। आप अपनी समझदारी को जरा बड़ा करें कफायत साहब, इसमें मुश्किल ही क्या है, निकाह ही तो होना है। कंप्यूटर पर? भाई साहब पूरा खानदान स्काइप पे जमा होगा, लड़की वालों का लाइव होगा सब कुछ। ले तो बीच लाइन कट गई तो क्या होगा, सारा निकाह खूह में पै जाएगा। भाभी समझाए ना इन्हें। बेबे वो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, इतना मुश्किल नहीं होता सब कुछ। समझाने वाली बात क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दो। देखो मुझे समझ आ रही है कि ना कुड़ी है तो ना मुंडा है, हैं जी, ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा बगैर छुआरों के? भाभी आप नन्नी से कहे ना कि लड़की दो दिन के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती निकाह के लिए। चाचा उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी का। तो एडी केड़ी वेलने च बाह आई हुई है, चार दिन ठहर के कर ले निकाह। अब बेबे निकाह हो जाएगा ना तो आसानी से पेपर्स तैयार हो जाएंगे, इस तरह लड़की के आने जाने से टाइम जाया होगा। जो भी हो भाभी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चाचा आप ना थोड़ा ज़हन को वसीह करें, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। लो भी मैंने तो फैसला कर लिया, जैसे भी निकाह होना है लैपटॉप पे होना है, कंप्यूटर पे होना है, वो छोटे वाले फोन पे होना है, जिसपे भी होना है हो जाए, मैंने पूरे टब्बर को बुलाना है, बिरयानी और जर्दों की देगे चाड़ देनी है। बेबे आपको कुछ अंदाजा है कितना खर्चा होगा इसमें? फिटे मुंह तेरा, तेरी इन बातों से ना इन स्यापों से मुझे शक पड़ रहा है कि मैं मर गई ना, इसने चुनिस्मा गोल कर देना है। अस्तगफिरुल्लाह बेबे क्या कह रही है? रहने देना बेबी, सुने वो मीनू के लिए लड़का देखने जाना है कल। मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं मैंने जाना, वो नैश बख्तो जो है ना वो छड़प्पे मारते भी पहुंच जाएगी दो फूल लेते लाके। बेबे आप दोनों ने एक ही जगह पर जाना है। हादी तुम कोई जादूगरनियों को बता तो नहीं आए अपने निकाह का? नहीं तो
लगता झूठ बोल रहा है। एक मिनट रुक ना, ये मेरी ब्रांडेड सॉक्स है ना, तूने पहनी नहीं। उतार, अभी उतार। जा टोरंटो रहे हैं, दिल आज ही बंस रोड की छोटी गलियों जैसा ही है। ये ले, ये उठा और अंदर छोड़ के उठा। महंगे बड़े हैं, आराम से अपने खामन से कहला के दे। अंदर छोड़ के आ, चल। एक और दे देना, एक और। भूखी गई। क्या हर्ज है अगर इसी जुमेरात तय कर लें फाजी और हानिया का निकाह? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आज आकर तसल्ली से बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा किया, जुमे को है ना हादी का निकाह, बस एक दिन पहले पढ़वाऊंगी मैं अपने फाजी का निकाह। अम्मा इस मुकाबलेबाजी में ना मेरी बैंड मत बजा देना प्लीज। तेरा तो बेटा बजेगा बैंड बाजा, तू फिक्र ही ना कर, अम्मा पे एतबार कर, चेहरे सदाकत का पानी पिया है मैंने। अम्मा मैं तो आप पर एतबार कर लूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है आप मजीद किसी पर एतबार मत कीजिएगा। पहले ही लाखों का नुकसान करवा चुकी हैं आप माशाल्लाह से। कमबख्त चूम मंत्र थी तो फ्रॉडन, लेकिन एक बात तो ठीक निकली उसकी कि इसी महीने बजेंगी शहनाइयां हमारे घर में। अल्लाह करे। अम्मा मैं सोच रही थी आज हम जा रहे हैं हानिया को देखने, तो मैं मिशी को कहती हूँ कि प्यारा सा फेशियल कर ले, क्या पता लड़के को मिशी ही पसंद आ जाए। आपा क्यों करती हो ऐसी बचकाना बातें, मिशी का जहाँ नसीब होगा वहाँ मिल जाएगा उसे रिश्ता। फाजी फिल्मों और ड्रामों में वालिदैन को कोई और पसंद आता है और लड़के को कोई और। छोड़ो ना इन फिल्मी बातों को, आप लोगों को पता है आज बेबे भी जा रही है मीनू का लड़का देखने के लिए। चुंगे में हो रहा है उसकी पोती का रिश्ता। अम्मा जो भी हो आप प्लीज वहाँ जाकर एक दूसरे पर बमबारी मत शुरू कर दीजिएगा, बेबे रिश्ते में आपसे बड़ी है। लेकिन हरकतें उसकी छोटी छोटी छोटी। यार आपा समझाओ ना इन्हें, बुरा लगता है किसी के घर जाके चोचे लड़ाना, कल भी पड़ गई थी एक दूसरे को। फाजी ठीक कह रहा है अम्मा, नया नया रिश्ता है, जरा संभल कर चले। बेबे। अरे चलिए ना जल्दी करें, आप लोग बहुत देर हो रही है। किस बात की परेशानी? अरे अम्मा जल्दी पहुंच जाएंगी वहाँ पर। तो पहुंच जाए वहाँ, जाके जाओ उसने मेला लूटना लूट ले। जल्दी चले, मैं मुझे वापस आके पोल्ट्री फार्म भी जाना है, बड़ा ऑर्डर आ रहा है। खुदा के लिए 2 घंटे के लिए अपने कारोबार का खाता ना बंद कर दें। चले ना, चलो चल रहे हैं, क्या हो गया, चल रहे, चलो चलो चलो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है तुम लोग का, जो क्या आज ही जा रहे हो जांजे लेके लड़की को लेने? ये सरफे तेरी औलाद को सूट करते हैं बद पर भर, मैं तो अपने फाजी की शादी धूमधाम से करूंगी, यू नो इम्पोर्टेंट फैमिली रिच पीपल। अम्मा फॉर गॉड से गाड़ी में बैठे हैं। फाजी शरीकों की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे नहीं होनी चाहिए। बेबे बस भी कर दे। चल चल ब्रेक पे पैर ना देखूं आज मैं तेरा। अम्मा मैराथन रेस थोड़ी जीतनी है हमने, रिश्ता देखने जा रहे हैं। देखा दी, हमें ये मुकाबला हर सूरत में जीतना ही जीतना। बेबे कोई अखाड़ा थोड़ा सा जब है वहाँ पे, चाची समझाएं ने। हादी सही कह रहा है बेबे। नहीं चुप कर, तुझे नहीं पता इस औरत ने तवीत पला पला के नवाब साहब को पागल किया हुआ था, इसीलिए जल्दी मर गए। हार्ट अटैक से मरे थे वो, बीपी शूट कर गया था उनको तेल वाला शोरबा पी पी के। बेवकूफा उस तेल में भी तवीत मिलाती थी, फूके मारती थी सारा दिन, मुझे पता है, तुझे क्या पता। बेबे गाड़ी तो चलने दे। अच्छा सुन, कट कुट मार के ना एमी ऊपर से होके ना उनसे पहले पहुँचना है। हाँ बेटा जरा शॉर्टकट से चलना और बिहेवियर कम ही बदलना है। मिशी नहीं आ रही क्या? अरे मिशी की वजह से हम हार ही ना जाए कहीं। मिशी उसके तो फैशन ही नहीं खत्म होते। मिशी
भाई मुझे तो लोग बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे, लेकिन लड़की की माँ की शलवार थोड़ी ऊंची नहीं थी। भाई मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए अपने फाजी के लिए। मुझे तो थोड़ी चुप चुप सी लगी। अब हर कोई मीनू की तरह चलता फिरता रेडियो थोड़ी होता है। ये भी भाई सोफिस्टिकेटेड थी, मैच्योर थी। अच्छा है चचेगी मेरे मिठल के साथ, बस अब जल्दी से घर आ जाए। लेकिन अम्मा उसके अब्बा ने निकाह के लिए फौरन हाँ तो नहीं की? कोई बात नहीं, इसी महीने शादी के लिए तो हाँ कर दिया ना। बद परवर कितना भी जोर लगा ले, 3 महीने से पहले तो हादी का वीजा नहीं आएगा, तभी होगी रुखसती। यार आप लोग मुझे एक बात तो बताएं, ये मेरा और हादी का कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई मुकाबला है? हर बात में उसे बीच में ले आते हैं। और वैसे आपा, आपका रिश्ता भी बहुत जल्दी हो गया था। भाई देख लो, उजलत के फैसले ऐसे ही होते हैं। फिर घर तभी तुलदा बटा ओए, आप क्यों बुला बैठे हैं? बड़े दामाद की कोई इज्जत है? किसी ने घास डाली है, जाके लड़की भी पसंद करके आ गए। हाय अल्लाह, मैं तो सोच रही हूँ अरमान भी ऐसे ही ना मुंह फुला के बैठ जाए, हमने तो उनको भी नहीं दिखाई ना लड़की। भाई आप कोई मुंह फुलाए या बुझाए, मेरे फाजी की शादी तो होगी इसी लड़की के साथ। ओ इसको देखिए, नथने फुलाकर कैसे भागा यहाँ से। दफा मार, हाथी के दांत देख खाने की और खाने की और। मीनू का होने वाला मियां कंफ्यूज लग रहा था बेचारा। मीनू को छोड़ो, अम्मा आप शॉपिंग की तैयारी पकड़े और फाजी मुझे अपने सारे क्रेडिट कार्ड निकाल कर दे दे। हाँ भाई ले लो ले लो। रूमी सबके लिए चाय तो बना दो यार। मैं बता रही हूँ भाई, पहले से भाभी के आने के बाद किचन का कोई काम नहीं करूंगी मैं। तू तब भी अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? अम्मा वैसे हादी का निकाह इसी जुम्मे को है, कंफर्म है ये बात? हाँ हाँ, बेबी ने फेसबुक पे यही तारीख डाली है। तुम्हारे मुंह पे बारह क्यों बच गए? कुछ नहीं, बस थोड़ी इरिटेशन हो रही है मेरी आंखों पे, मैं आई ड्रॉप्स डाल के आती हूँ। मैं चाय बना के आती हूँ। मेरा प्यारा भाई। क्यों हो जाती है हमें उन लोगों से मोहब्बत जिनके साथ हमारी किस्मत के सितारे मैच नहीं करते? हादी तुम्हें तो शायद कभी पता भी ना चले किसी ने टूट के चाहा था तुम्हें। मिशी मिशी ये देखो ना कैसा लग रहा है ये पहनूं? हाँ अच्छा है। तुम्हें क्या हुआ है, इधर देखो। कुछ नहीं बस अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं आज। जाहिर है मौका ही ऐसा है, वो होते तो बहुत खुश होते फाजी भाई की बात पक्की होने पे, है ना? हाँ अब जरा बताओ ये कैसा लग रहा है ये पहन लूँ ना? हाँ अच्छा है। हाँ वैसे इतना खास भी नहीं लग रहा, मैं कुछ और देख के आती हूँ। तुम्हारे पास भी कुछ अच्छा होना तो निकाल के रखना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ये क्या तांका झांकी हो रही है? वो अम्मी लोग नहीं आए ना अभी तक। अच्छी तरह पता है मुझे किस चीज की बेचैनी है तुम्हें। नहीं वो रिश्ते वाली बात नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगी मीनू। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है, फोकस कर लो अपनी स्टडीज पे और कुछ सीख ही लो अपने होने वाली भाभी से। हाँ लो जी रिश्ता क्या पक्का हो गया, टोन ही बदल गई उस्ताद जी की। अरे खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अंदर। नहीं वो पूछ देना फोन करके बेबे लोगों को कहाँ रह गए। वो शॉपिंग पे गए हैं, जाओ अंदर शाबाश। और हाँ शराफत से ना कल से दोबारा ट्यूशन पे आना शुरू कर दो। क्यों अब तो शादी हो रही है। अब आपकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फोकस करो अपनी एजुकेशन पर, क्या सारी जिंदगी जाहिल ही रहोगी? हाँ हाँ भाई अब तो सारा जमाना ही जाहिल लगेगा इन्हें, अपनी जैसी उस्तानी जी जो मिल रही है इन्हें।
भाई लड़का बड़ा भला मानुस लगा है मुझे। घर तो बड़ा शानदार था। हाय मीनू, लड़की तो कूल है और समझ ससुराल भी कूल ही है। मेरी मानो तो नहीं, फौरन हाँ कर डालो। एमी हाँ कर दो, खलो जा। बगैर मेरे इस्तखारे के कैसे हाँ हो सकती है? लो बेबे, आपने मेरे हादी की दफा तो कोई इस्तखारा नहीं किया था। लो, शुरू हो गया इनका अपना पटसयापा। तो बहन जी, आपने टाइम दिया था, मौका दिया था, खुद ही रिश्ता कर करा के आ गई थी, बगानों की तरह मुझे बता दिया था। अब ननी ने इसरार ही इतना किया था। अरे बेबे, आप छोड़े इन बातों को और प्रोग्राम फाइनल करें हादी के निकाह का। प्रोग्राम बिल्कुल फाइनल है। मिर्ची को मैंने कह दिया है, वो लगा देगी फेसबुक पे और बाकी सबको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। हिसाब किताब से बुलाइएगा रिश्तेदारों को। तू तो चंदा टप्पर को सारे को जहर दे दे। हाथ धो गई। अब जो भी प्रोग्राम बने मुझे बता दीजिएगा, बस बता दूंगी। तो वाह, चलिए इसमें से ये भी तुमने ना एक तोहफा ही पैदा किया अल्लाह की कसम। बेबे, जब मैं चली जाऊंगी ना इस घर से तो पता चलेगा आपको। हाय, ये तो सही कह रही है। आ जा मेरे पास, मैं तो दास होगी फटाफट। ओए ना ना, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। बेबे, वो हादी भैया के निकाह की खुशी में ढोलक रखे? हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई, तेरा क्यों नहीं, जरूर रख। लेकिन उससे पहले एक खानदानी सी प्यारी सी चाय बना के दे मुझे, लाची वाली। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। अरे रे बेबे, ये कहाँ बनाएगी, मैं बना के लाती। चल तू ले आ लाची पाई। अच्छा मेरे लिए भी। अच्छा गाने कौन कौन से होंगे बोला? वो तो मिर्ची डिसाइड करेगी ना। आप मुझे बात बताए। हाँ पूछ। नहीं, मिर्ची मिर्ची बता देगी। चाची हेल्प कर दूं आपको? अरे नहीं बेटा, ये थोड़ी सी तो प्याज है। तुम लोग कब रख रहे हो फाजी की ढोलक? बस हादी का निकाह हो जाए फिर हमारे घर भी लग जाएंगी डॉन के। अल्लाह पाक खैर खैरियत का वक्त है हमारे बच्चों के लिए। बिल्कुल आमीन। चाची वो लड़की रुखसती के लिए तो आएगी ना? हाँ हाँ। तब तक तो हमारे फाजी की भी शादी हो चुकी होगी। हाँ अल्लाह पाक बहुत अच्छे नसीब करे हमारे बच्चों के। आमीन। यार तकरार जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। ए मिर्ची पानी फड़ा। मिर्ची पानी देना बेटा। पानी इधर फड़ा मेनू। मिर्ची पहले मुझे पानी दे। और फटे हूं तेरा, अकल तुझे कोई नहीं है वैसे, पहले मैंने मांगा था। क्या कर रहे हैं सब? अरे कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। घर कैसे जा सकती हो? मीनू के रूम में बैठ जाओ। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। ओहो, क्या सीन है जानी? I swear यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, लग रहा है ख्वाब है। मेरे घर से ढोलक की आवाजें आ रही है। इतनी लेट शादी हो ना तो बेटा सब कुछ ख्वाब ही लगता है। अब तो मेरे दोस्त के सेरे के फूल भी सजने वाले। ऐसी रही हनिया भाभी से मीटिंग। बस यार, उस जैसी वेल एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की चाहिए थी। अल्लाह मियां ने सुन ली। बेस्ट ऑफ लक भाई। तू बता टोरंटो वाली भाभी कैसी है? थोड़ी सी रिजर्व्ड है एनी, लेकिन मुझे लग रहा है ये निकाह की डोर हम दोनों को करीब ले आएगी।
वैसे सब प्लानिंग भी कर ली है मैंने कनाडा की सर्दियों से बचने के लिए। यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख ली, मैंने गर्म कपड़े भी ले लिए। मोहब्बतें चेक कर, अभी नाम लिया और फोन भी आ गया। तेरी भी बात कराता हूँ आज भाभी से। अरे तू अटेंड तो करना पहले। हेलो, हाउ आर यू एनी? अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था अपने पाकिस्तानी कजन से। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? क्या निकाह कैंसिल कर दे? मजाक कर रही हो ना? नहीं, मगर क्यों? What the hell, एनी? इतनी बड़ी बात तो मुझे आज बता रही हो? हेलो हेलो, क्या हुआ हादीप? इज एवरीथिंग ओके? व्हाट्स रॉन्ग ब्रो, कुछ तो बोल। कोर्ट मैरिज कर ली उसने और अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकती है। क्या? पे दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? इसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारी फीलिंग्स, मेरा मतलब है तुम्हारी फीलिंग्स के साथ इस तरह खेले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। यार ये तो बहुत बुरा हो गया। अंदर तो सब लोग निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, अब क्या होगा? मेरा तमाशा,